मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है ताकि हर घर हर परिवार को इसका लाभ मिल सके। प्रदेश के सहरिया, बैगा और भारिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की डिजाइन को केंद्र सरकार ने सर्वश्रेष्ठ माना है। ये आंगनवाड़ी केंद्र न केवल बच्चों को पोषण और शुरुआती शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि पीएम जनमन योजना के तहत हर 100 विशेष पिछड़ी जनजाति आबादी पर एक नया आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाएगा। सीएम डॉक्टर यादव ने अधिकारियों को आंगनवाड़ी केंद्रों को और अधिक उपयोगी और सक्षम बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जन सहयोग से नवाचार करने की भी बात कही है ताकि आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सके। इन आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सही पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में हो रहे नवाचारों से राष्ट्रीय स्तर के पारिवारिक सर्वेक्षण NFHS-4 से NFHS-5 के 4 वर्षों के बीच प्रदेश में बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार हुआ है। अब कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 43% से घटकर 33% हो गया है। वहीं वेस्टेड बच्चों का प्रतिशत 26% से घटकर 19% हो गया है। हर गांव और पंचायतों तक पोषण पैरामीटर्स पर मॉनिटरिंग की जा रही है।